अशोक पाटिका का दृश्य, जहां पर मां सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठे राम जी का स्मरण कर रही है। विभीषण जी ने अपनी मानस पुत्री त्रिशा को मां की सेवा के लिए लगाया है। दोनों का संवाद होता है। श्री राम जय राम जय जय राम सपने बानर लंका जारी जतु ध्यान से ना सब बारी हर आरोढ़ नगन दस सीसा पंडित से पंडित बुझ सीसा यही विधि सो दक्षिण दिसी जाई लंका मनहु विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दोहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना मैं कहूँ पुकारी हो यही सत्य गए दिन चारी सुबह जन सुनते सब डारी जनक सुता के चरण पारी जहाँ तह गई सकल तब रामा सीता कर मन सो सिया रामा पास दिवस बीते मोहि रामा पारे निसि चरे भोज सिया रामा त्रिजटासन बोली करी जोरी माध विपति संगनित मोरी जो देह करो बेगी उपाय तो सहब रहो अब नहीं सही जाई आदि का चिरचु चिता बनाई मातु अनल मुनि देही लगाई सत्य करही मम प्रीति सयानी सुने को श्रवण सूल समवानी सुनत बचन गही समझायसी प्रभु प्रताप बल सुज से सुनायसी किसी न अनल मिल सुन सुकुमारी अस कही सो निज भवन सिधारी कहा
सीता विधि भापत गूला मिलही न पावक मिटही न सूला पावक महिषत समतन आगी बानो मोहि जानी हत भागी दोनों तन किस ले अनल समाना देही अग्नि जन करही निदाना देखी परम बिरहा कुल सीता सोचन कपी कलप समवी राम जी के विरह में सीता जी पिष्टा से कहली लकड़ी ला सीता मना मैं राम जी के वियोग में आत्मदाह करना चाहती हूँ। अशोक रक्षक कहते हैं अशोक तू सबका शोक निपटाता है मेरा क्यों नहीं मिटाता सितारों से कह सितारों अग्नि बरसाओ मैं राम जी के विरह में जल जाना चाहती हूँ। हनुमान जी ने देखा माँ की विरह वेदना बढ़ती जा रही है अब मुझे वो कार्य कर देना चाहिए जिस काम के लिए मैं आया हूँ। हनुमान जी ने वृक्ष से मुद्रिका निकालने का निश्चय किया। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हनुमान जी ने मुद्रिका नीचे गिराई। माँ ने विचार किया कि मैंने सितारों से अग्नि मांगी थी शायद कोई सितारा टूटा है हाथ से मुद्रिका को उछाया पुनः नहीं नहीं ये रावण की माया लगती पुनः मुद्रिका को नीचे रख दिया। फिर माँ ने देखा राम नाम अंकित अति सुंदर माँ ने पुनः मुद्रिका को उठाया देखा तो तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुद्री पहचाने हर्ष विशाल रहे अकुलानी जीत को सके अजय रघुराई माया ते असी रचि नहीं जाई सीता मन विचार कर मधुर वचन बोले चंद गुण बरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई श्रवणामृत जही कथा सुहाई कहीं सो प्रकट होत कि न भाई अब हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठी मन विस्मय सीता जी ने कहा है राम की सुंदर कथा कौन सुना रहा है मेरे सामने क्यों नहीं आता। हनुमान जी सामने गए मां मैं इतने छोटे से बंदर हनुमान जी माने बंदर मां ने मुंह फेर लिया। हनुमान जी ने कहा मां मैं बंदर नहीं हूं और राम दूत मैं मां तू जानगी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मैं लाया हूं मां मैं राम जी ने आपको निशानी के तौर पर भेजी लेकिन सीता जी ने कहा तुम बंदर हो राम जी न रहे संगति कैसे हुई तिन नर बानर की संगत हूं कैसे कही कथा भई संगति जैसे श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी सचल नयन फुल कावल बाढ़ी उड़त विरह चलत हनुमाना अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल जिस कृपाल रघुराई कपि कहे है सुधरी निठुराई सहज बानी सेवक सुखदायक
कबहु किशोरती करती रघुनायन कबहु नयन मम शीतल ताता होई हहिनी रख श्याम मृदु गाता बचन आओ नयन भरे बारी अहनाथ हो निपट पिसारी परम बिरहा कुल सीता बोला कपि मृदु वचन विनीता मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुकृपा निकेता जन जननी आनहु जिय ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेह सब रामा सुन जननी धारी धीर सिया रामा हस कही कपि गद गद भयो रामा भरे बिलोचन नीर सिया रामा कहो राम बियोग तप सीता मुकहु सकल भय विपरीता नव थरु किसे लय मनहु प्रसानु काल दिशा समझ सिध सिभानु कुबल यपिपिन कुंत बन सरीसा बारी तपत तेल जनु परिसा हित रहे करत पीरा मृग स्वास सम त्रिविद समीरा कहे हूँ ते कछु दुख घची होई काही कहो यहाँ जान न कोई तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सुमन सदा रखत तो ही पाई जानु प्रीति रस इतन ही माग कहाँ कपिरदय धीर धरु माता सुमिरि राम सेवक सुखदाता उर आनहु रघुपति प्रभु ताई सुन मम वचन तजहु कजराई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हनुमान जी का और माँ सीता का संवाद हुआ। हनुमान जी ने कहा मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, राम जी आएंगे, राम जी के बाणों के जितने निशिचर हैं सब उनसे मरेंगे, जल जाएंगे। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जाए, ये सब निशाचर जल जाएंगे राम जी के बाणों के आगे। माँ थोड़ा सा धीरज रखे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा मां भी आपको यहां से ले जा सकता हूं राम जी के पास, लेकिन मुझे राम जी की आज्ञा नहीं है, आप कुछ दिन प्रतीक्षा करें, राम जाएंगे इसे ना लेकर, रावण को मारने गया आपको यहां से ले जाएंगे। तो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जौं रघुवीर होती सुति पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बाण रवि हुए जानते सब परो अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई प्रभु आयस नहीं राम दोहाई अशुक दिवस जननी धरु दीरा कपिन सहित है नहीं रघु दीरा निसी चर मारी तो ही ले जय हही तिहपुर नार दातु जस गय हही सुत कपि सब समाना, अति भट मोरे हृदय
परम संदेह सुनि कभी प्रकट किन्न निज देहा। इतने से हनुमान जी छोटे से माँ की गोद में बैठे हैं। माँ ने कहा, हनुमान क्या राम जी की सेना में तुम जैसे छोटे छोटे बंदर हैं? रावण की सेना को देखा कितनी विशाल सेना है। हनुमान जी समझ गए कि माँ को संदेह हो गया कि मैं बहुत छोटा हूं। हनुमान जी ने अपने रूप पर प्रकट किया, कनक भूधर कार शरीर समन भयंकर अति बल वीरा। भूधराकार शरीर बनाया हनुमान जी महाराज ने, स्वर्ण से चमकता हुआ। मां ने देखा इतना बड़ा हनुमान, हनुमान मैंने तुम्हारा रूप देख लिया, छोटे हो जाओ छोटे। सीता मन भरोस तब भयो और पुनि लघु रूप पवन सुत लय हो। हनुमान जी फिर छोटे हो गए। हनुमान जी ने कहा, मां हम तो इस डाल पर उस डाल पर कूदने वाले बंदर हैं, हमें कोई विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, नहीं बल बुद्धि विशाल। आप हमें बल प्रदान करें, आप हमें बुद्धि प्रदान करें तो आगे का कार्य करें। तो सुनी माता साखामृग नहीं बल बुद्धि विशाल, ओ प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल। प्रभु की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता मां, एक छोटा सा सर्प गरुड़ को खा सकता है। श्री राम जय राम। महत्वपूर्ण चौपाई क्या कि मां ने इस चौपाई में हनुमान जी को आशीष दिया कि हनुमान अजर हो, अमर हो, गुणनिधि हो, और जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक राम जी के चरणों की सेवा करो, ये मां ने आशीष दिया। तो सब प्रेम से गाए, मन संतोष सुनत कपि बान भगति प्रताप तेज बलिशान। आज श्री राम प्रिय माने का हनुमान अजर हो। हनुमान जी ने ध्यान नहीं दिया, अजर हो अजर हमार, ध्यान नहीं दिया कहीं बूढ़े ना हो, हनुमान अमर हो। हनुमान जी ने ध्यान नहीं दिया, मैं तुमसे कह रही हूं हनुमान गुण निधि हो। हनुमान जी ने ध्यान नहीं दिया, माँ मुझे वो दो ना जो मैं चाहता हूं, मुझे तो राम जी के चरणों की सेवा चाहिए, ये वर नहीं चाहिए। माँ भी समझ गई जिसको राम जी की चरणों की सेवा चाहिए, इसलिए माँ ने कहा, करहू बहुत रघुनायक छो अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहू बहुत रघुनायक छो करहू कृपा प्रभु निर्भर प्रेम मगन हनुमान। करने लगे हनुमान जी, बार बार नायसी पद सीसा बोला वचन जोरी कर दीसा। अब कृत कृत भयो मे माता आशीष तब अबोध रे ज्ञाता। सुनहु माति मोई अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करही बिपिनी रखवारी कर भय माता मोही माही जो तुम सुख मानो मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम 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 सीता राम। जब भी चौपाइयों में परिवर्तन आए तो समझना दृश्य बदलने वाला है, इससे दो मिनट का कीर्तन सब करेंगे। क्यों करते हैं कीर्तन? सुंदरकांड में कीर्तन इसलिए किया जाता है कि हनुमान जी को आसन दिया जाता है। हनुमान जी चंचल स्वभाव के बार बार भाग जाते हैं तो उनको पकड़ने का एक ही तरीका क्या है? सीताराम कीर्तन। इसे प्रेम से भाव जाओ, सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 ओ शिवराज महाराज की जय। ओ सच्चे दरबार की जय। भाई रवि भाई तुम्हारे फट रहा बार बार गाने में तकलीफ फट रहा है इसको थोड़ा ठीक करो। हनुमान जी ने कहा माँ मैं जब से लंका नगरी में आया हूं मुझे सब खाने वाले मिले पहले सुरसा मिली ए हनुमान तुम्हें खा जाऊंगी सिंह का मिली खा जाऊंगी लंकिनी मिली माँ मुझे सब खाने वाले मिले हैं माँ कई माह से हम आपकी खोज कर रहे हैं हमने जल ग्रहण नहीं किया न भोजन किया माँ मुझे बहुत भूख लगी है भूख नहीं अतिशय भूखा लगा है। लेकिन सीता जी ने कहा देख हनुमान इस वन प्रदेश की रक्षा में रावण ने बड़े बड़े वीरों को लगा रखा है। हनुमान जी ने तिनकर भय माता मैं नहीं मुझे उनका भय नहीं है आप आज्ञा दें। माँ ने विचार किया ये तो बल में भी निपुण है बुद्धि में भी निपुण है बल कनक भूराकार शरीर माँ ने बल देख लिया बुद्धि बुद्धि के विषय में हनुमान जी ने कहा पहले माँ ने कहा कि देख हनुमान इस रावण की अशोक वाटिका में जो वृक्ष पर फल लगे हैं इन पर अपना अधिकार नहीं है ये अशोक वाटिका है रावण की ये वृक्ष है रावण के ये फल है रावण के इन पर सबसे पहला अधिकार रावण का है। हनुमान जी ने मामा मामा मेरी बात सुने मैंने माना कि इन सब पर रावण का अधिकार है लेकिन आप भी पृथ्वी की पुत्री हैं सबसे पहला अधिकार आपका है इसके बाद रावण का है इसलिए माने कहा ये तो बल में भी निपुण है और बुद्धि में भी निपुण है इसलिए माने कहा जाओ हनुमान प्रभु श्री राम के चरणों का हृदय में ध्यान रखो मधुर फल खा लो कि देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहूं जान की जाहू रघुपति चरण हृदय तात मधुर फल खाऊं सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जब जब ये लंका के अशोक वाटिका का ध्वंस का प्रसंग गाया जाता है हनुमान जी साक्षात रूप से यहां आते हैं सब प्रेम से भाव से गाना इसके बाद लंका धन का प्रसंग आएगा और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है मामा जी और हमने देखा है श्रीलंका के अशोक वाटिका में। मामा जी के मन में विचार आया कि इतने देर हो गए अभी तक तो कोई आया ही नहीं पाठ चल रहा है लेकिन जैसे ही पद गाने लगे मामा जी ने देखा छह पीठ का बड़ा वानर करते हुए आया हमारे पीछे आया प्रणाम किया प्रसाद लिया वो वानर सेना को लेकर 200-200 वानर आसपास मामा जी अनुभव सुनाएंगे अपना। हेलो ये बिल्कुल साक्षात घटना है श्रीलंका की जब हम लोग श्रीलंका में अशोक वाटिका के अंदर अपना सुंदरकांड का पाठ आरंभ करने जा रहे थे तो वास्तविकता वहाँ जैसे अपन देखते हैं रामायण में कि बता दे के वानर वगैरह सब रहते हैं तो वहाँ उस समय कोई कानी चिड़िया भी नहीं थी कानी चिड़िया और व्यास जी ने अपना पाठ आरंभ किया वहाँ की भाषा है तमिल तो वहाँ के मंदिर के पुजारी तमिल भाषा में बात कर रहे थे वो हिंदी में भी बात नहीं करना चाह रहे थे पर हमारी एक गाड़ी का ड्राइवर था जो हिंदी और तमिल बोल लेता था तो हम लोगों के संवाद को आदान प्रदान करा रहा था साउंड की जरूरत थी हमको पर इत्तेफाक हम यहाँ से साउंड एक छोटा वाला ले गए थे व्यास जी कैसी से ही करेंगे पर वहाँ प्रभु की ऐसी कृपा आश्रम हमको मिला क्या नाम था व्यास जी उस आश्रम में
जो सुंदर बन अपने पहले सुंदर कांड किया था बड़ गोल्डा पे राम मोडा राम बोला जहां से हनुमान जी ने चिन्मय आश्रम आश्रम जहां से हवा की शुरुआत करी है उड़ने की वहां पर हम लोग थे। इतना अच्छा आश्रम बना हुआ है वहां, पूरा हमको म्यूजिक सिस्टम मिला, कल्पना भी नहीं की थी कि प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं। अपन कहते ना हनुमान जी इसमें सुंदरकांड में पाठ आता है कि मैं ना होता तो ये होता और मैं ना होता तो वो होता और मैं ना होता तो ऐसा कैसे होता। तो यहाँ सीता जी के सामने भी ऐसी घटनाएं आई हैं कि रावण जब तलवार निकाला है सीता जी की गर्दन काटने को तो विभीषण की पत्नी जो सुलोचना है सुलोचना मंदोदरी ने उनको रोका कि क्या कर रहे हो प्रभु, स्त्री हत्या का आरोप लगेगा। ऐसे ही हनुमान जी गए हैं उनकी आग मृत्यु दंड दिया जा रहा है तो विभीषण कह रहे हैं कि भाई बाणर को मत मारो, ये भी एक ब्रह्म हत्या लगेगी, पूछ में आग ही लगा दो। तो इस प्रकार में श्रीलंका में जब हम लोग थे अशोक वाटिका में तो ऐसे ऐसे बानर पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए कि हमको खुद नहीं मालूम। काले मुंह के बानर थे, प्रसाद के डिब्बे करीब 10-12 रखे थे, 10 से 12 डिब्बे जो यहाँ से हम प्रसादी ले गए थे, मात्र डिब्बे में से एक लड्डू लेके गया था, उसके बाद उसने कोई प्रसाद नहीं छुआ। और जबकि वहां बंदर हमने देखे 70-80 बंदर, पता नहीं कहां कहां से किलकारी मारते आ गए। तो जो जी ने कहा है ये साक्षात हनुमान जी की पुस्तक है, ये पुस्तक नहीं है ये साक्षात हनुमान है, जितने भाव से सुनोगे या करोगे अपने संकटों का हरण उतना अच्छा करोगे। जय श्री राम। जय जय। आइए प्रसंग को चलें, हम सब साथ में गाएंगे अब राग मालिकों से बेर भी लाल दे है लाली लसे अरुधन लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशु। यह राग भैरवी हनुमान जी का अत्यंत प्रिय राग, चलो गा लें सब साथ में। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियां हर एक दिशा से आए सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हलके हलके, मिले सुर मेरा लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा जिनका रूप निराला, लाल लंगोटा हाथ में सोटा जिनका रूप निराला। जस्ट सच बताना, आपने कभी इसे कल्पना करी थी कि बाबा यहां विराजेंगे वो स्वर्ण का श्रृंगार होगा? 2.5 तोले सोने से तो बाबा का श्रृंगार हुआ है, श्रृंगार करने के लिए हमारे प्रभु इंदौर से पधारे जीतू गुरु जी, 2 दिन पूरे परिवार को लेकर यहाँ बट यहाँ पर उन्होंने श्रृंगार किया। जैसे कितना सुंदरता देखिए आप, इसलिए लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा जिनका रूप निराला, लाल लंगोटा हाथ में सोटा जिनका रूप निराला, अंजनी का लाला मेरा बजरंग बाला, जय हो राम नाम में मस्त रहे ये, राम नाम में मस्त रहे ये, जपे नाम की माला, राम नाम में मस्त रहे ये, जपे नाम की माला, राम नाम में मस्त रहे ये, जपे नाम की माला, राम नाम में मस्त रहे ये, जपे राम की माला, अंजनी का लाला मेरा बजरंग बाला, जय हो अंजनी का लाला मेरा बजरंग बाला, जय 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 बजरंगी, जय 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 बजरंगी, तोड़ो जय 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 बजरंगी।
आना चाहिए। 1 2 3 4 राम श्री राम जय राम जय जय राम चलू नाय सिर पैछों बागा फल खाया सितर तारे लागा रहे तहा बहु भट रखवारे कछ मार से कछ जाई पुकारे नाथ एक आवा कपि भारी कई अशोक बाटिका उजारी खाए से फल अरु पिटपो पारे रक्षक मारते मारते महिडारे रखवारों ने सूचना दी सरकार अपने बगीचे में एक बंदर घुस कर आ गया है वो फलों को खा रहा है वृक्षों को उखाड़ रहा है रावण ने भट सके आप उस बंदर को मार के आओ सेना लेकर चला खाए सफल और बेट उपारे रक्षक मर्द मर्द मई डारे सुन रावण पठे भटनाना सब रजनी चर कपि संहारे गए पुकारत कछु अध मारे हनुमान जी ने पूरी सेना को मार दिया कुछ अधमरे बचे गए सरकार सेना मारी गई हाँ रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा अक्षय कुमार जिसका कोई क्षय नहीं कर सकता वरदान था उसे रावण जाओ अक्षय कुमार उस बंदर को मार के आओ अरे पुण्य पट्टियों ते अक्षय कुमार चला संगले इस बट अपारा हो कछुमार से कछुमार देसी कछुमिलिये से धर धू कछुपुंज जाई पुकारे प्रभु मरगट बलभूरी हनुमान जी ने रगड़ दिया किसी को धूल से मसल दिया पांच पांच दस दस राक्षसों लेकर ताली बजाने लगे 1 2 3 रखवारे गए सरकार मारा गया रावण ने कहा कौन बंदर मर गया अरे बंदर नहीं मरा सरकार आपका पुत्र मारा गया अचंभित हो गया गिर पड़ा अरे सुन सुद बदलंग के सरिसाना मटिये समय घनात बलवान रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को मेघनाथ बड़ी सेना लेकर जाओ और उस बंदर को मारना मत पकड़ कर लेकर आना बड़ी सेना लेकर इंद्रजीत चला 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 इंद्रजीत अतुलित जोधा बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा अतिशाल तरुण को पारा बिरत कीन लंकेश कुमारा जुगल मेघनाथ हनुमान जी में दंडित हुआ ऐसा लगा दो गजराज लड़ रहे हो आकाश मार्ग में चला गया इंद्रजीत पुनः नीचे आया हनुमान जी ने मुष्टिका से प्रहार किया मूर्छित हो गया बहुत देर बाद इंद्रजीत की मूर्छा को देखा बंदर कहाँ है हनुमान जी वृक्ष पर चढ़ गए इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल कार्य है माया रचना पड़ेगी तब ये बंदर पकड़ में आएगा उठी बहोरी की नस बहु माया जीत न जाए प्रभंजन ब्रह्म साधो तरकश में ब्रह्मास्त्र निकाला मेघनाथ ने हनुमान जी की ओर चलाया
ब्रह्म अस्त्र तैसा धारा मा कपि मन किन्न विचार जोन ब्रह्म शर्मा नहुं महिमा मिटै अपार श्री राम जय जय रामा श्री राम जय जय राम महाराज को ही वरदान था कि कोई शक्ति हनुमान जी को नहीं बांध सकती, लेकिन ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए। ब्रह्मास्त्र में बनने के बाद इंद्रजीत को विश्वास नहीं हुआ ये बंदर भाग ना जाए, इसे नागपाश से बांध दिया। पहले ब्रह्मास्त्र से बांधा, फिर नागपाश से बांधा। चलो हनुमान जी ने कहा पिताश्री के दरबार में बांध बुन के हनुमान जी को दिया गया। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ब्रह्म बाल कप क्यों तई मारा पर त्यों बार कसक संहारा जा सुनाम जब सुनो भवानी बहु बंधन काटे नर ज्ञानी कब बंधन सुन निश्चर धाये कौतुक लागि सभा सब आए कर जोरे सुर दिस विनीता जग चिबिलोकत सकल सबीता कभी मिलो कि दसानना पीसा कई दुर्बार सुध पद सुरति नीन पुनी उपचार रे विचार ब्रह्मास्त्र बंधे हनुमान जी को रावण के दरबार में ले जाया गया। सरकार की जय भैरव बाबा की जय हो सच्चे दरबार की जय जय हो जय हो। आप सबके बीच श्री वंशापूरण बालाजी मंदिर से सागर से वहां के महंत रघुराम प्रकाश दास जी आपके सामने बैठे हुए हैं। शायद ये नाम हमने पहली बार अपने मुख से बाबा ने निकलवाया है, श्री रघुराम प्रकाश दास जी। अभी तक इन्होंने बहुत सेवा की, आज हमने कहा आपकी मजूरी का वक्त आ गया है, अब आपका मेहनत आना यहाँ से शुरू होता है। अब इसका अर्थ यही है कि बहुत समय सेवा दी, आज आप भी यहाँ का आनंद श्री रघुराम प्रकाश दास जी के रूप में प्राप्त करिएगा जी। तो थोड़ा सा अभी समय ले देंगे फिर आपका सुंदरकांड का पाठ। इस बीच में जब तक हमारा स्वागत सत्कार चल रहा है, क्योंकि ये हमारे ब्यास जी का मंडल, वैसे मेरे भाई मेरे ब्यास जी मेरे गुरु भाई सभी हम लोग मित्रता की तरह रहते हैं, पर यहाँ ये सब आपकी वाणी बाबा इनके उत्तर विराजे, जो भी आपके दुख सुख कष्ट लेकर यहाँ पधारे इस सुंदरकांड के